हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरी मिर्च, जो आजकल आपको दिखा है मोटी हरी मिर्च आ रही है मार्केट में, तो उसका चटपटा इंस्टेंट बनने वाला अचार। तो चलिए मैं आपको ये हरी मिर्च के अचार का फटाफट कुछ आपको दिखा देती हूँ इंग्रीडियंट्स, बाकी मैं साथ साथ जा बनाती रहूँगी, आप देखते रहिएगा। मैंने ये 250 ग्राम हरी मिर्च ली हुई है, इसको देखिए छोटा छोटा काटा हुआ है, वो आपकी चॉइस है आप कैसा काटना चाहते हैं। एक मैंने लेमन का जूस निकाला हुआ अराउंड 1 टेबल स्पून समझ लीजिए, और कलौंजी है 1/2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून बेसन है, और ये है अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून हींग है, और ये देखिए सौंफ है पिसी हुई 1 स्पून अपना, ये सौंफ का पाउडर लिया हुआ है मैंने, बाकी स्पाइसेस और भी डालेंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन रख दिया, गैस ऑन कर दिया। इसमें सबसे पहले हम अराउंड, देखिए आप कौन सा ऑयल, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सरसों का तेल अराउंड 1 टेबल स्पून, इसमें मैं घी डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, और इसके बाद मैं ये बेसन था, ये मैं बेसन डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी, बेसन को हमने ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा बस कच्चापन खत्म हो जाए इसका, क्योंकि ये साथ साथ भी भुनेगा। ये लम्स हैं, इनको दबा हटा देना है, इस तरह दबाते जाएंगे। आप ये देखिए, ये हमारा बेसन हो गया, बस इस टाइम पे हम इसमें ये डाल देंगे कलौंजी, और उसके बाद हम यूज़ ये डालेंगे रेड, हम ये डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, अराउंड 1 स्पून डाल देंगे, और नॉर्मल मिर्ची भी डाल देंगे 1/4 स्पून, और सॉल्ट अराउंड 1 स्पून डाल दीजिएगा, बाकी आपके टेस्ट के ऊपर है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर, इसको डाल के हम हिला लेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे, देखिए हींग रखी हुई थी मैंने, अब हम इसके बाद डालेंगे ये मिर्ची जो हमने काट के रखी हुई थी, अब हम ये डाल देंगे मिर्ची, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अचार इंस्टेंट बन जाता है, आपके पास मिर्ची पड़ी नहीं है, फटाफट बनाइए, दाल के साथ रात में बहुत अच्छा लगता है। आपके गेस्ट आ रहे हैं घर में, आप इंस्टेंट साथ में ये बना लेते हैं तो खाना और भी बहुत टेस्टी हो जाता है। आप चाहे तो जो लोग सरसों का तेल करते हैं वो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर उसको थोड़ा सा पहले जला लें कि उसका स्मेल ना आए सरसों के तेल की। ये देखिए ये हमारा हो गया, हमने स्लो फ्लेम पे किया हुआ है। अब इस टाइम पे मैंने ये देखिए सौंफ का पाउडर, ये था पिसी हुई सौंफ, ये डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लिया इसको, इस टाइम पे ये देखिए अमचूर पाउडर था, अब ये डाल देंगे, इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस अचार को आप ठंडा करके चाहे तो आप फ्रिज में रखिए, तो ये आपका अच्छा खासा 1 हफ्ता अचार आपका ये चल जाएगा, आप स्टोर करके रख सकते हैं ग्लास कंटेनर में किसी में। और आपको ज़्यादा चलाना है तो आप सरसों का तेल जो भी यूज़ करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये मैंने देखिए ऑयल ज़्यादा नहीं बताया है, अराउंड फिर भी 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें लग गया है मेरा घी भी। ये देखिए ये हमारी हरी मिर्चें देखिए इंस्टेंट फटाफट तैयार हो गई हैं बिल्कुल।
देखिए अब इस टाइम पे अब हम इसके ऊपर से डालेंगे ये लेमन जूस। ये हमारी हरी मिर्च बिल्कुल इंस्टेंट खाने के लिए फटाफट के तैयार हुई है। इसका कलर देखिए आप। अब देखिए इसमें मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, कई लोग इसमें आप चाहें तो इसमें हल्दी भी यूज कर सकते हैं। इसको देखिए एक से दो मिनट स्लो फ्लेम पे रखे हैं, हम छोड़ देंगे। देखिए दो मिनट मैंने इसको भून लिया अच्छे से, और ये देखिए साथ साथ इसमें आप देख रहे होंगे बेसन भी कितने अच्छे से भून गया है, क्योंकि बेसन हमने शुरुआत में आधा कच्चा छोड़ दिया था और बेसन भी भून गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं, और दो मिनट में मिर्चें भी थोड़ी सी गल गई हैं। अब इसके बाद इसको एक मिनट के लिए, पहले मैंने देखिए बेसन भूनने के लिए दो मिनट भून लिया है इसको स्लो फ्लेम पे। अब हम इसको कवर कर देंगे, और हम एक मिनट के लिए कवर करके इसको हम छोड़ देंगे। एक मिनट बाद फिर हम इसको देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक मिनट हो गया है, इसको हमने रख दिया था कवर करके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी मिर्चें बिल्कुल तैयार हो गई हैं खाने के लिए बिल्कुल। अब हम चलिए इसके ऊपर हमने एक चीज़ डालनी है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हमारी चटपटी तीखी हरी मिर्चें, इंस्टेंट हरी मिर्चों का अचार बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। अब इसको चलिए अब हम सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार तैयार हो गया है बिल्कुल फटाफट। आपने देखा है एक बार कितनी फटाफट बनाए, और खाने में इतना टेस्टी है। आप मेरी बात पे यकीन करिए, आप इसको बनाएंगे ना एक बारी तो बार बार बनाएंगे, और जो जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतना टेस्टी अचार बनता है। और चलिए इसको ट्राई करिए, बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना। अगर अच्छा लगा आपको मेरी रेसिपी, और मेरे बाकी के वीडियोस भी आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी और बाकी वीडियोस भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।